आज इस वीडियो में हम आप लोगों को एक शॉर्टकट देने वाले हैं, एक ऐसा शॉर्टकट जिससे आप एक बार में आइडेंटिफाई कर पाओगे ऐसी अपॉर्चुनिटीज जहां से पैसा बन सकता है। तो अगर आप अभी तक बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे कि भाई कैंडलस्टिक पैटर्न समझ लिए हैं, हैमर क्या करता है, शूटिंग स्टार क्या करता है, हैंगिंग मैन क्या करता है, ये सब आपने समझ लिए, पर अब आप इन्हें ढूंढोगे कैसे? कोई शॉर्टकट है कि एक बार में पता लग जाए भाई कौन से स्टॉक में, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, फिन निफ्टी में, मिड कैप निफ्टी में, या HDFC बैंक में, रिलायंस में, किस में कमाने की अपॉर्चुनिटी है? राइट, ये कैसे पता लगेगा? तो इसके लिए देयर आर सम शॉर्टकट्स। देखो जो एडवांस है, जिन्हें टाइम हो गया मार्केट में, उन्हें पता होंगे, बट मैं मान के चलता हूँ कि हमारे चैनल पे ज्यादातर बिगनर्स है। राइट, तो अब बिगनर्स को ये शॉर्टकट्स अगर नहीं पता तो आज इस वीडियो में उनकी काफी हेल्प होने वाली है। तो बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, शॉर्टकट्स है तो बहुत काम आएंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि कई लोग होते हैं स्पेसिफिक, राइट सर, कि भाई मैं तो निफ्टी में ही ट्रेड करता हूँ, राइट, या फिर मैं तो बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करता हूँ। इंडेक्स स्पेसिफिक, हाँ, इंडेक्स स्पेसिफिक होते हैं कुछ लोग, और फिर वो होते हैं कि भाई मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही काम करता हूँ, या मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम करता हूँ। अब आप कोई भी टाइम फ्रेम पे काम करते हो, कुछ लोग डेली टाइम फ्रेम पे काम करते हैं। तो एक शॉर्टकट से शुरू करते हैं। एक सबसे पहले इंडिकेटर्स, अभी तक आपको लगता था इंडिकेटर्स ये होते हैं वो होते हैं, लैगिंग होते हैं, मलाने फलाने मगर क्या होते हैं, राइट, पर इंडिकेटर्स ना आपकी हेल्प कर सकते हैं, राइट सर, और वो कैंडलस्टिक पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने के लिए भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। ओके, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, आपको सिंपली लिखना है ऑल सारे, ओके, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, और ये आ गया हमारे पास। इसे जैसे आप क्लिक करोगे, इसके लिए आपको कोई पेड वर्जन लेने की भी जरूरत नहीं है, ये आपको सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स, और सारे कैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप किसी सेटिंग पे जाओगे तो आपको एक्टिवेट करने पड़ेंगे आपको कौन कौन से चाहिए। जैसे यहाँ पे एबंडेंट बेबी है, चलो इसे हटा देते हैं, जो आप यूज करते हो, आप एग्जांपल डोजी यूज करते हो, राइट, ड्रैगन फ्लाई डोजी यूज कर रहे हो, ठीक है, एंगलफिंग पैटर्न यूज कर रहे हो, आप कहते हो जी मुझे हैमर चाहिए, मुझे हैंगिंग मैन चाहिए, आप कहते हो हरामी चाहिए, अगर चाहिए तो ले सकते हैं, पियर्सिंग पैटर्न लेना है, कौन कौन से पैटर्न लेने हैं आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए, राइट सर, ठीक है। आप कहते हो जी मुझे मारुबुजू चाहिए, है ना, तो आप कोई भी यहाँ पर जो आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स अच्छे लगते हैं आप उन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने कुछ अभी इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, राइट सर। तो मैंने ग्रेवस्टोन डोजी ले लिया, एंगलफिंग ले लिया, ड्रैगन फ्लाई डोजी ले लिया, डोजी ले लिया, और यहाँ पे हैमर और हैंगिंग मैन ले लिया, ठीक है, राइट। ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न ले लिया, एक शूटिंग स्टार और ले लिया। अब जैसे मैं इसे ओके करूंगा, यहाँ पर आप देखो जब मैंने इसे हटाया तो बिल्कुल एक चार्ट है, राइट सर, और जैसे ही मैं इसे लगा रहा हूं तो यहाँ पर क्या है, ये लिखा हुआ आ गया कुछ। अब क्या लिखा हुआ है इसे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है बी 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 बी, अब ये क्या है, यहाँ पे डी लिखा हुआ गया, डी मतलब डोजी, राइट, यहाँ पर एंगलफिंग पैटर्न है ये, ठीक है, एंगलफिंग, राइट सर, एंगलफिंग, ये यहाँ पे आपको एंगलफिंग पैटर्न दिख रहे हैं। अब जैसे ये एंगलफिंग पैटर्न कैसे है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी थी, राइट, और यहाँ पर एक रेड कैंडल, रेड कैंडल बनी, बट अभी आप कैंडल स्टिक्स के ना सिग्निफिकेंस समझ चुके हो कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट है रेजिस्टेंस जोन पे बनेंगे तो हमारे लिए बेटर है, एब्सोल्युटली। तो आप वो सब प्लॉट कर लोगे, वो मुझे पता है, एग्जांपल कोई कहता है जी मैं सिर्फ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम करता है इंट्राडे के लिए, तो इंट्राडे के अंदर भी देखिए इस चार्ट के ऊपर आपको जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स बने होंगे उसके नाम यहां पर मिल गए हैं, राइट। अब क्या है कि अब अगर यहां से कोई आगे, अभी एग्जांपल अभी रिसेंट में हम देख रहे हैं 5 मिनट के अंदर ये यहां पर कहता है जी एक डोजी बना है, राइट, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न आपके लिए बन गया। इसी तरीके से यहां पर कहता है जी ये बेरिश एंगलफिंग पैटर्न बना है, राइट। तो अब पैटर्न तो आपके लिए बनते चले जाएंगे, बट अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, तो मैं इसी के साथ एक स्ट्रैटेजी भी दे देता हूँ, ओके, सो दैट लोगों को जो बिगनर्स है उन्हें कंफ्यूजन ना हो, राइट। तो स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल सी है, आप यहाँ पे सिर्फ एक SMA लगा लो, सिंपल मूविंग एवरेज, ठीक है। जैसे आप एक सिंपल मूविंग एवरेज लगा लेते हो तो देखिए ये एक लाइन आ गई, बट मैं इसकी अभी सेटिंग चेंज करूंगा, okay. मैं सेटिंग पे जाऊंगा और इसकी लेंथ को 50 के कर दूंगा, right, अब स्ट्रैटेजी क्या, पहली बात तो ये इंटरडे के लिए आपकी स्ट्रैटेजी है, क्योंकि आप सिर्फ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हो। तो अब आप चाहते क्या हो, आप चाहते हो जब SMA की लाइन के ऊपर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बने तो ऊपर कौन सा बनेगा, बेरिश बनेगा, बेरिश बनेगा। तो ऊपर से मान लीजिए यहाँ पे हैंगिंग मैन बना, राइट सर, तो आपको आज का दिन का काम हो गया आपका, राइट, इंट्राडे की मूव कैप्चर हो गया, आपको एक इंट्राडे की एक ट्रेड मिल गई, राइट सर, ठीक है, आपका आज का दिन का यहाँ पे एक काम हो गया, एक छोटा सा आपको इंट्राडे का अगर एक ट्रेड चाहिए था आपको एक अच्छा ट्रेड मिला। अब मुझे दोबारा से यहाँ पर क्या दिखता है, ये देखिए, ये कह रहा है एक शूटिंग स्टार है, राइट, बट शूटिंग स्टार से पहले हैंगिंग मैन काम कर चुका है, राइट, और कितना ऊपर है ये और मैटर करेगा इंट्राडे के लिए। अगर मुझे बुलिश चाहिए तो मुझे SMA के नीचे चाहिए, राइट, बॉटम पे चाहिए, बॉटम पे चाहिए, तो यार बॉटम पे मिल जाए तो मैं बुलिश हो जाऊंगा, और टॉप पर मिल जाए तो मैं उस कैंडलस्टिक के हिसाब से बेरिश हो सकता। सर जस्ट टू ऐड अ पॉइंट, जैसे आपने बोला कि सर बॉटम पे चाहिए, तो क्योंकि हम इंट्राडे बेसिस पे कभी ट्रेड कर रहे हैं तो इंट्राडे लो पे चाहिए, मतलब हमें
या तो इंट्राडे लो, बट मेरे लिए अभी एसएमए लगाया तो एसएमए इंपॉर्टेंट है right. कि एसएमए के नीचे होना चाहिए. ओके सर, एसएमए के ऊपर मैं बुलिश नहीं ढूंढने जाऊंगा, तो बुलिश चल ही रहा है राइट right. ठीक है, क्योंकि रिवर्सल right. चाहिए, कंटिन्यूएशन नहीं चाहिए ना. एग्जैक्टली exactly. तो कंटिन्यूएशन exactly. ले तो आप ट्रेंड आइडेंटिफाई करो राइट right. ऑलराइट right. तो अभी शॉर्टकट के ऊपर आ जाते हैं. बेसिकली हमारा मेन काम है कि लोगों को ये पता लगना चाहिए. एग्जाम्पल कोई 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम करता है राइट. अब 15 मिनट पे देखिए यहाँ पर क्या मिला आपको. आपको यहाँ पर मिला है बेरिश एंगलफिंग. ये एक अच्छी एंगलफिंग कैंडल है, ये बुरी नहीं है. पता है क्यों अच्छी है? इसका एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है. पहली बात तो एसएमए के काफी ऊपर है राइट. दूसरा क्या है कि जो यहाँ पे हाई बना था राइट सर, जो एंगलफिंग कैंडल होनी चाहिए ना, ये ग्रीन के हाई को ब्रेक नहीं करनी चाहिए. कभी कभी आपको यहाँ पे ना विक मिलेगी इतनी लंबी राइट. तो जब वो विक नहीं होती है और पूरी बॉडी को कवर करती है, इसका मतलब है कि प्राइस यहाँ पर ही टॉप किया था, इसके बाद दोबारा ऊपर नहीं गया राइट, और उसके बाद गिरा है. तो ये आज के लिए अगर आप आज का पॉइंट ऑफ व्यू से हिसाब से देखोगे, इट इज अ गुड एंगलफिंग कैंडल राइट. कोई आराम से इसके टॉप की हाई की सेलिंग करके बैठ सकता है पूरे दिन के लिए राइट सर. ठीक है, और ये आपको समझ रहे हो कि यहाँ पे एसएल भी है. और सर बेरिश एंगलफिंग के बाद जितनी भी कैंडलस्टिक्स फॉर्म हुई है सारी इनसाइड कैंडल्स फॉर्म हुई है राइट. तो ये सारी इनसाइड कैंडल्स चल रही है अभी. सो दिस इज अ गुड एंगलफिंग कैंडल. सो अभी तक आपको क्या समझ आया उसे समराइज कर लेते हैं. अभी तक हमने क्या देखा, हम सिंपली ट्रेडिंग व्यू पर गए राइट. हमने एक यहाँ पे इंडिकेटर अप्लाई किया, यहाँ पे हमने ऑल कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ये एक फ्री में जाके एक इंडिकेटर लगा दिया, और फिर हमने सेलेक्ट कर लिया जो जो आपको पसंद हो. देखो मैं कहता हूँ कि सारे आपको नहीं लगाने चाहिए, फिर आपको बहुत कंफ्यूज करेगा sure. तो यहाँ पर जो आपको बेसिकली कैंडलस्टिक चाहिए वही आप लीजिए पैटर्न्स, जो आपको लगता है कि यार ये मुझे मेरे लिए काम करते हैं राइट right, अब अगर आप सारे कर लोगे तो आपका देखो चार्ट ना पूरा भर जाएगा. अगर मैं यहाँ पर लगा दूं सारे, देखिए अभी अब क्या होगा. अब मैंने सारे लगा दिए और सारे अप्लाई करता हूँ तो आपको ना फिर बहुत कंफ्यूजन होगी राइट कि यार मुझे हरामी भी दिख रहा है, इन्वर्टेड हैमर भी दिख रहा है. आपको यहाँ पर अभी सारे देखेंगे, मैं अभी एक बार मारुगोजो भी दिख रहा है, डोजी स्टार भी सारे टाइप्स की दिख रही हैं. सो हमने सारे सेलेक्ट कर लिए. इनफैक्ट आप यहाँ पर देखेंगे अगर आप पैटर्न टाइप पे जाओगे बुलिश और बेरिश भी कर सकते हो. अगर आपको लगता है मार्केट में तेजी है तो मुझे उसे तेजी पकड़नी है, ऐसा भी आप कर सकते हो. अभी हमने बहुत लिया, जैसे मैं ओके करता हूँ तो अब अगर हम इस चार्ट को थोड़ा सा छोटा करूंगा तो फिर आपको इतने सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स दिखते रहेंगे राइट right. तो ये आपका क्या हो गया, चार्ट ही भर गया पूरा right, तो आप बहुत कंफ्यूज हो गए right. इसलिए व्हाट यू शुड डू, जो मुझे अच्छे लगते हैं मैं सिर्फ वही पकड़ू. अब तो ये आ गया. अब यहाँ से हमारी एक प्रॉब्लम सॉल्व होती है कि भाई मैं निफ्टी में ट्रेड करता हूँ या मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ तो मुझे कैंडलस्टिक पैटर्न मिल रहे हैं राइट right, एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई. प्रॉब्लम नंबर टू, यार मैं तो थोड़ा ओपन माइंडेड हूँ, मुझे तो अपॉर्चुनिटी चाहिए. अब टाटा मोटर्स में मिले right, या आईटीसी में मिले या हिंदुस्तान यूनिलीवर में मिले, मुझे फर्क नहीं पड़ता राइट right. मुझे फर्क पड़ता है कि मुझे अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलनी चाहिए राइट right. सिंपल गूगल पे जाओ ओके okay. अब आप अपना फेवरेट चार्ट पैटर्न बोलो, कैंडलस्टिक पैटर्न बोलो. चलो सर बुलिश एंगलफिंग चार्ट पैटर्न हम बाद में बताएंगे ठीक है. अब आपने मुझे बोला बुलिश एंगलफिंग ठीक है, मैं लिखूंगा बुलिश एंगलफिंग. अच्छा ठीक है, कितने मिनट के चार्ट सॉरी टाइम फ्रेम पर आपको देखना है सर? 1 आवर. 1 आवर ठीक है. तो अब देखो यहाँ पर आपको लिखना है चार्टिंग और आपने लिख दिया 1 आवर ठीक है राइट सर. सीधा गूगल राइट कुछ भी नहीं राइट एंटर मार दो, ये जो पहला लिंक आएगा इस पर क्लिक कर दो ओके ठीक है. आप कुछ भी नहीं करना, नीचे आपको सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे जिसपे 1 आवर के चार्ट पे बुलिश एंगलफिंग बन रहा है, कुछ नहीं करना. अब देखो ये शॉर्टकट है राइट सर, जो लोग थोड़े पुराने उन्हें शायद पता भी होगा राइट, बट जो नए है ना उन्हें अरे इतना आसान होता है, अच्छा निफ्टी पे बन रहा है, ये तो मुझे पता ही नहीं था राइट है ना right. क्लिक किया. सो निफ्टी पे ये आपका आर्ली चार्ट था, तो आर्ली पर आप देख रहे हो कि बॉडी को वो एक तरीके से एंगल्फ कर रहा है राइट right. इसी तरीके से मैं गुजरात गैस लिमिटेड पर जाता हूँ okay, तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा अगेन ये बॉडी को ही कवर कर रहा है आर्ली के हिसाब से राइट, बॉडी टू बॉडी कवर हो रही है, एंगल्फिंग कैंडल बन रही है राइट. तो ये आपको क्या है ढूंढ के दे रहा है राइट. तो ये हमने देख लिया राइट सर. अब इसके अलावा आप कोई और कैंडलस्टिक पैटर्न बोलो जो आपको अच्छा लगता हो, जो लगता है काम करेगा. शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार ठीक है. देखो जबकि मार्केट आपको देख रहा है कि बुलिश है, बुलिश है, बट आपने शूटिंग स्टार बोला तो मैं यहाँ पे शूटिंग स्टार लिख देता हूँ ठीक है. अब आपको कितने मिनट के टाइम फ्रेम पर चाहिए सर? 1 डे. सीधा 1 डे? सीधा 1 डे. चलो 1 डे, क्योंकि सर सिग्निफिकेंस बढ़ जाएगी उसकी जो आपको चाहिए राइट. अभी कोई मुझे बोलेगा 5 मिनट तो मैं 5 मिनट में लिख के दिखा दूंगा राइट सर. तो यहाँ पर हमारे पास शूटिंग स्टार डेली आ गया, ये आप इस पर क्लिक कर दीजिए राइट ठीक है. अब नीचे जाइए, अब आपको यहाँ पे स्टॉक्स दिख गए. एग्जांपल पतंजलि फूड्स पर मैं जाता हूँ, यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर ये आपको शूटिंग स्टार जैसा फॉर्मेशन दिख रहा है, इससे पहले यहाँ पर बना होगा वो दिखेगा. यहाँ पर आपको पिक्चर परफेक्ट जैसे मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर विक और बड़ी चाहिए थी, पर ऑल दो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि शूटिंग स्टार फॉर्मेशन हो राइट ठीक है. इसी तरीके से कुछ और खोल लेते हैं, यहाँ पर ये रैली ले लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं
तो इसके चार्ट पे देखिए कितना सुंदर शूटिंग स्टार बन रहा है, टॉप पे सर, टॉप पर बन रहा है, राइट। तो और ये और इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये देखो जोन कौन सा है जो हमने पहले वीडियोस में डिस्कस किया था, ये आपका सप्लाई जोन है, सीधा सीधा रेजिस्टेंस के आसपास बन रहा है, सो ये एक इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आपने यहाँ से पकड़ लिया, आप कोई और आप लेना चाहो, एग्जाम्पल ये पॉली मेडिक्योर ले लेते हैं, यहाँ पर भी देखो आपको शूटिंग स्टार मिल रहा है दोबारा टॉप पे सर, अगेन आपको एक अच्छे सप्लाई जोन के आसपास मिल रहा है। तो आपको कई सारे दिख जाएंगे जो आपको शूटिंग स्टार बनते हुए दिख रहे हैं, एग्जाम्पल ये मेरे लिए इतना रिलेवेंट नहीं क्योंकि टॉप पर नहीं है, राइट। तो वो आपको चेक करना पड़ेगा, राइट सर। अल्टीमेटली इसने स्कैन करके दे दिया, अब डेली टाइम फ्रेम पर बेटर है क्योंकि आप दिन के बाद भी एनालिसिस कर सकते हो, राइट। आप पूरे दिन एनालिसिस कर सकते हो, उसके बाद अपना ट्रेंड प्लान कर सकते हो, राइट सर। आप कोई कहेगा जी मुझे 5 मिनट के हिसाब से चाहिए, राइट सर, बोलो कौन सा पैटर्न ले 5 मिनट के हिसाब से। ग्रेवस्टोन डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी ले लो, मैं सिंपली एक हैमर लेता हूँ, हैमर ले लो सर, ठीक है। सीधा हमें हैमर चाहिए, हम हैमर चार्टिंग लिख देते हैं, राइट। आप कहते हो सिर्फ 5 मिनट का टाइम फ्रेम, ठीक है जी, आपने सीधा 5 मिनट का टाइम फ्रेम बढ़ा दिया, राइट। जो पहला आएगा उसे आप खोल दो लिंक, आपको सीधा सीधा नीचे क्या दिख रहा है ये देखिए, ये आपको स्टॉक्स मिल गए, एग्जांपल अंबुजा सीमेंट्स पे चलते हैं, आपको 5 मिनट के हिसाब से एक हैमर जैसी कैंडल दिख रही है, राइट। अब वो आपको थोड़ी सी एनालिसिस करनी पड़ेगी कि भाई कौन से जोन पे मिल रही है, कब मिल रही है, कहाँ मिल रही है, वो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, राइट। एग्जाम्पल एक डिक्सन में और चेक कर लेते हैं, यहाँ पे डिक्सन टेक्नोलॉजीज में, अब देखिए जहाँ पे येलो है वहां पर बना होगा आपका हैमर, राइट सर, ठीक है। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो जो भी आपको कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढना है, राइट, आप सिंपली ढूंढ सकते हो। अभी आप चार्टिंग के सॉफ्टवेयर पे जाओगे तो आप यहाँ पर स्क्रीनर्स पर जाके यहाँ पर भी सर्च कर सकते हो, ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपके लिए ऑलरेडी पैटर्न स्कैन्स बने होते हैं, राइट सर। तो आप इस तरीके से सर्च कर सकते हो कि शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट्स उसमें आ रहे हैं, बुलिश फॉर नेक्स्ट डे कौन सा है, इंट्रा डे के लिए कौन सा है, तो इस तरीके से यहाँ पे स्कैनर्स बने होते हैं। और इसी तरीके से जैसे आपने बोला था ग्रेवस्टोन डोजी, अगर किसी को पियर्सिंग पैटर्न चाहिए तो यहाँ पर ऑलरेडी बने होते हैं, यू कैन क्लिक ऑन देम एंड इट विल डेफिनेटली सर्च इट फॉर यू। एग्जांपल आपको चाहिए हम ले लेते हैं ग्रेवस्टोन डोजी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे यहाँ पर ये ऑलरेडी स्टॉक्स निकाल के आपको दे देगा, ओके। तो दिस इज द वे यू कैन यूज इट, तो दो शॉर्टकट्स हैं जो लोगों के काफी काम आ सकते हैं, आई होप आपके भी काफी काम आए होंगे। सो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं मैक्सिमम लोगों के साथ जिससे लोगों तक ये शॉर्टकट पहुंचे और लोग इससे फायदा उठा पाए। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, आप इंडिया के कौन से कोने से कौन सी सिटी से इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने शहर का नाम लिख सकते हैं जिससे हमें पता लगेगा लोग कहाँ कहाँ से हमें देख रहे हैं, राइट सर, देश का नाम भी लिख सकते हैं एंड कुछ सवाल है आपके आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसी तरीके से आप स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, तो फ्री में जाके अपने डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। इनफैक्ट आप रेफर अर्न करके भी पैसे कमा सकते हैं, ब्रोकर्स काफी अच्छा आपको ऑफर्स दे रहे हैं, डू चेक आउट, लिंक्स डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में। एंड हमने आपके लिए कुछ एजुकेशनल चैनल्स भी लॉन्च करें जिसमें जाके आप फ्री में स्टॉक मार्केट को स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हो, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन, गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद जय हिंद।